Alright, तो कैसे मेरे सही दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और सबको पता है पीपी प्राउड बैटल्स आ चुका है, तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे पीपी प्राउड बैटल, क्योंकि एक नया पूरा एकदम न्यू इनोवेटेड मेथड है और नया टेक्निक के साथ, मतलब नए इंटरफेस के साथ आएगा। तो वीडियो में बिना देर किए हम फटाफट चलो पीपी प्राउड खेलते हैं और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है तो पॉपअप करेंगे इस तरह के मैसेजेस, कैसे कैसे खेलना है, आपको हिंट देंगे वो। काफ़ी मतलब मैं ऑफिस में था और मैंने पिछले सीजन कुछ खेला भी नहीं था, बट अब नया सीजन आया तो उसको खेलने का बिल्कुल मन करेगा। तो ये है और नया इंटरफेस आप देख रहे हो, काफ़ी कूल हो गया। अगर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो जो हमारे जीजी थे, गुड पार्टी थे और गुड टीम का मैसेज आता था, वो चेंज को तीनों को उन्होंने कम्बाइन कर दिया है और तीनों को उन्होंने कम्बाइन करके एक प्रेस पॉइंट नाम दे दिया है कि ये प्रेस पॉइंट है। तो अब वो तीनों हटा के केवल एक सिंगल रह गया। तो ये बंदा आया है काफ़ी एंड्रॉयड्स रन जीटी टीम में, जीटी अभी क्या है ये, ओके ये सेंस टीम बोलोगे और 17 आना लेटर स्लॉट है। तो ये मेथड मैं बता दे रहा हूँ आपको, 6 के 6 मतलब अपने टीम यूज़ करने पड़ेंगे। और ये मैंने टीम बनाई है, आप सामने देख रहे हो कि फ्यूजन्स की टीम बनाई हुई है। तो भाई साहब काफ़ी टीम का भी बड़ा लोचा होने वाला कि कौन सी बेस्ट टीम रहेगी यूज़ करने लायक, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत यूनिट नहीं रहेंगे। बहुत लोग बैंच यूनिट यूज़ करते थे, हेल्थ यूनिट यूज़ करते थे, दो दो हेल्थ यूनिट यूज़ करते थे जिनका ही बफ करते थे, बट अब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको 6 के 6 यूनिट अच्छे रखने पड़ेंगे तभी आप 2 से 2 मैचेस जीत पाओगे, ओके। तो ये चीज़ याद रखना, उनको जिनकाई फुल बूस्टेड करके रखना, नहीं तो बहुत मैचेस हारोगे। तो फर्स्ट मैच आ गया हमारा और फर्स्ट मैच आप देख रहे हो। और एक चीज़ ध्यान से टाइमर के ऊपर देखो, टाइमर भी मुझे पता था कि 180 टाइमर काउंट का नहीं होगा, तो ये यहाँ पर एक शॉट हो गया। 120 टाइमर की एक राउंड होने वाले हैं, 120 मतलब इन्होंने टाइमर कर दिए हैं शॉट। और यार एक चीज़ में ध्यान अब दे रहा हूँ कि आप हेल्थ बार देख रहे हो, वो ग्लिच कर गया क्लासिक लेजेंड भाई, मतलब नया अपडेट आया। और एक्चुअली अपडेट भी देखा आपने, 2.434 से सीधे 5 पे आ गए ये लोग, मतलब इन्होंने 3-4 तो छोड़ ही दिया, अब सीधे सीधे 5 पर आ गए। और ये कमाल का भाई अपडेट है, पहले अपडेट में बग आ गया कि मतलब हेल्थ बार ही नहीं दिख रही, और भाई बिना हेल्थ बार की खेलना पड़ेगा ये वाला मैच तो, ओके नहीं सबको समझ में भी नहीं आ रहा क्या होने वाला है। ओके आई विल टेक दिस ब्लू कार्ड, ओके ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन हो गया, नाइस, ओके लेट्स सी ओके यहाँ पर डॉच की जरूरत थी नहीं वैसे, ओके नाइस उसकी गॉज भरी हुई, मैं भूल गया बहुत दिनों बाद सुपर वेजिटो को यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे पता भी नहीं लास्ट टाइम मैंने वेजिटो को कब यूज़ किया है, क्योंकि जब यूनिट से बाहर हो जा रहे हैं जेनकाई बूस्ट से और टीयर बूस्ट से तो यूनिट बहुत कम यूज़ होते हैं, बट अब तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि पुराने जेनकाई भी यूज़ होंगे जो अच्छे हैं और पुराने यूनिट भी यूज़ होंगे, क्योंकि आपको 6 के 6 टीम अगर एक सिनर्जी वाली टीम बनाओगे, एक जी एबिलिटी वाली टीम बनाओगे, तो आपको आई थिंक 6 के 6 बंदे तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। अब वो पीवी प्राउड से ये होगा कि आपको जो पुराने यूनिट्स हैं वो वैल्यूबल लगेंगे, मतलब ये चीज़ को एक राउंड तो ऐसा जाएगा कि लगेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कवर चेंज बहुत हो रहा है या ऐसा समथिंग हो रहा है। भाई मैं मुझे पता भी नहीं कि मेरा मिनट मारा कि नहीं, आई थिंक सेकेंड लाइफ पॉप हो गई या क्या हो गया। मेरे HP दिख रही है वैसे, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि 30-40% बची है, ग्रीन हो गया अभी, ओके। और भाई साहब अभी 1 HP बची है, मुझे नहीं पता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि HP कितनी बची है, ओके लेट्स सी। साइड स्टेप कर लिया मैंने, तो काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। मुझे अगर आपने पीपी प्राउड खेला है तो मुझे बताना कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। मेरे को अभी तक कभी बोलो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और एक अपोनेंट से आपको 2 बार खेलना पड़ेगा 2 राउंड, तो मतलब एक ये भी होता है कि अगर पहला बंदा कभी ग्लिच बाई चांस लक से जीत गया तो सेकेंड राउंड उसको मारने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने उसकी पहली वाली लाइफ तो हटा दी है, ओके लेट्स सी ओके। अभी पैसिव खेल रहा है नहीं बंदा, और मेरा तो वैसे भी ग्लिच हो गया, समझ में नहीं आ रहा, ओके हम मेन के लिए जाएंगे और देखते हैं इसको किल कर पाते हैं कि नहीं। आई थिंक इसके सेकंड लाइफ तो है, ओके ऑब्वियसली बात है भाई, अपने UI गोकू को लेकर आ गया काउंटर करने के लिए, नाइस। तो ये तो मरेगा नहीं वैसे, ओके काफ़ी अच्छी बची होगी, अब तो HP नहीं देख पा रही तो समझ में नहीं आ रही क्या सीन है, ओके लेट्स सी, ओके मेन दबाते हैं। मैं पता नहीं कि HP कितनी है, ओके यहाँ पर कैच कर लिया वैसे हमने, और हमारा यहाँ पर यार अल्टीमेट चला गया यार, क्योंकि साइड में हमने पॉप कर दिया था उसको, तो ये इसकी वजह से अल्टीमेट चला गया, ओके तो यहाँ पर फाइनली हमने कैच कर लिया, ओके लेट्स सी। कॉम्बो ड्रॉप कर देना चाहिए था, मुझे भूल गया था कि ग्रीन से वो नलीफाई नहीं करता, आई थिंक वो जब अपनी गॉज यूज़ करता है स्ट्राइक वाले पर तब होता है,
यहाँ पर मुझे रश लगा देना चाहिए था यार, यहाँ मैंने बहुत गंदा गेम प्ले किया है और उससे गंदा प्ले यहाँ मैंने स्विच करके किया है, मुझे पता नहीं था, आई थिंक मैं दिमाग स्पीड उतर गया। अच्छा एक चीज़ मैंने ध्यान दिए गाइज, अब भी ध्यान देना कि कुछ यूनिट जो अल्ट्रा गोजीटा जैसे हैं जिनकी एबिलिटी 60 टाइमर काउंट के बाद खुलती है, 80 टाइमर काउंट के बाद खुलती है, उनके लिए तो ये बहुत बेकार हो गया क्योंकि गोजीटा का जो सेकेंड एबिलिटी है वो 60 टाइमर काउंट के लिए होता है, तो उसके बाद आधा मैच निकल जाने के बाद उसकी एबिलिटी कम आएगी, तो गेम को कुछ ना कुछ अब करना चाहिए, लाइक जैसे कि उनको काउंटर हटा देना चाहिए इस तरह से, या तो उनके काउंटर 60 की जगह 50-40 करना पड़ेगा, क्योंकि 60 का टाइमर तक तो मैच ही खत्म हो जाएगा, या मैच बोलो कि पूरा टाइमर तक जाने वाला है, ऑब्वियस ही बात है मैच पूरे, देखो मेरा मैच अगर यहाँ तक आ गया है तो अच्छे से मैचेस ये पूरे टाइमर तक जाने वाले हैं, तो यही कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज होने वाला है ये क्राउड मैचिंग में टाइमर वाला, तो ये रश का काफ़ी मैटर करेगा कि रश किस यूनिट को मारना है, अपना रश बचा के रखना है, उसको हेस्ट नहीं करना है, और मैं अभी मारा क्यों नहीं, मैं सबसे बड़ी सी बात ये भी है कि लेट सी ओके यहाँ पर अब मैं रश मार दूंगा क्योंकि रश टाइमर तक मैच जा चला जाएगा, तो इससे अच्छा ही अब रश मार के ना वो डैमेज कलेक्ट कर लो कि ताकि आप जीतने में आपको काफ़ी ही रहेगी, ये 100% हो गया कि पीवी प्राउड में मैचेस आपके पूरे टाइमर तक जाएंगे 100% लिख के ले लो, और ये मैचेस काफ़ी आपके मतलब डिपेंड करेगा डैमेज वाइज पे, क्योंकि 120 जो टाइमर काउंट होते हैं मैचेस वो काफ़ी आपको मतलब ईजिली आपको लेके चले जाएंगे 0 टाइमर तक, तो ये आप लिख के ले लो। ये मैच थोड़ा सा बंदे का थोड़ी स्किल कम है तो ये सीन है, ये मैच तो मैं जीत गया बट ऑब्वियस ऑलमोस्ट मैं टाइमर तक चला गया था और मैं तीनों बंदे जिंदा हैं, तो ये मैच ख़त्म हो गया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेकेंड राउंड कैसा होता है। ओके तो बंदा भी यहाँ बना हुआ है। ओके तो फर्स्ट राउंड हम जीत गए। ओके सेकेंड राउंड तुरंत आ गया, उसे कोई पॉइंट्स अभी हमें नहीं देखने को मिले। सेकेंड राउंड तो हमने तीन अपने यूनिट छोड़े हुए हैं सेकेंड राउंड करने के लिए, और बंदे ने भी काफ़ी अच्छे उसने अपने जो बेस्ट यूनिट है वो सेकेंड राउंड के लिए छोड़े हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मैच। उसे 17 है और आपको पता ही है कि गोकू बहुत ही अच्छा डुओ इन दोनों का है, उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा मतलब एंड्रॉयड सॉरी SS4 गोकू को रखा हुआ है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके लेट्स सी। ओके तो हमने कैफला से शुरू किया सेकेंड राउंड का लोगो इस तरह से कुछ आया आपको, लेट्स सी कम ऑन फॉन्डवुड। ओके स्ट्राइक क्लैश, क्लैश में बहुत ख़राब हो गया मैं क्योंकि पीपी बहुत टाइम से खेल नहीं रहा हूँ, काफ़ी वो है। ओके बंदे का इसका काफ़ी ख़राब क्लैश हुआ है, मेरा तो उसे भी ख़राब क्लैश था। ओके लेट्स गो फॉर द ब्लास्ट, और स्विच नहीं किया बंदे ने। ग्रीन कार्ड है क्या ब्रो? ग्रीन कार्ड ही था तब इतना लेट किया उसने, हमने उससे ज़्यादा भी लेट किया। लेट्स गो फॉर द वेजिटो। ओके ऑन भाई साहब, काफ़ी टाइम बाद मतलब फ्यूजन टीम आई थिंक मैंने लास्ट टाइम कब यूज़ किया मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तो पी पी खेल नहीं रहा बट बेटा जाने के बाद से यूज़ नहीं हो रहा था, और लेट्स सी ड्यूड काफ़ी डैमेज कर रहा होगा मेरे ख्याल से, मुझे हेल्थ नहीं दिख रही बट अच्छा खासा डैमेज हुआ होगा। अरे ब्लास्ट आर्मर नहीं है वेजिटो पे, दिमाग काम नहीं कर रहा मैं स्ट्राइक दबा रहा। ओके लेट्स सी। ओके काफ़ी अच्छा टैंक कर रही है कैफला, यहाँ पर उसने कॉम्बो ड्रॉप कर दिया, चलो यहाँ से हम कॉम्बो कर पाएंगे थोड़ी देर, यहाँ जाएंगे आई थिंक अब वो स्विच नहीं करेगा जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक हम यहाँ उसको मार सकते हैं इजी तरीके से। ओके एक स्ट्राइक कार्ड और होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक मैंने यहाँ पर कार्ड दबा देना चाहिए था। ओके ओके लेट्स सी, यहाँ पर ब्लू कार्ड आएगा आई थिंक, उसका गोकू वापस आ गया होगा। यहाँ तो हम टाइप न्यूट्रल भी हुए, नाइस डैमेज, पता नहीं क्या बचाया कि बचाया कि नहीं, मुझे दिख भी नहीं रहा ठीक से, शायद मुझे लग रहा कि 5000 HP था कि 5 HP था, 5 HP है तो समझ में नहीं आ रहा। नाइस प्लस मुझे स्ट्राइक कर लगा देना चाहिए था। ओके अब फाइनली अब ये मरा काफ़ी कूल टीम है वैसे, लेकिन बंदा थोड़ा सा पिट गया। ओके नाइस स्ट्राइक आज के बाद ब्लास्ट ही ब्लास्ट है। ओके लेट्स गो, आई थिंक यार मेन दबा देते फॉरफिट कर दिया बंदे ने, अब देखने पॉइंट्स कैसे मिलते हैं गाइस, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों राउंड के मिला के मिल रहे हैं पॉइंट्स, क्या इसको एक मैच कंसिडर कर रहे हैं, तो ये पहला मैच था वैसे मेरा, तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या सीन होने वाला है। ओके लेट्स सी। ओके दो मैच काउंट हुआ आई थिंक, दो राउंड काउंट हुआ है और आई थिंक 400 के आसपास पॉइंट मिला है,
तो मेरे ख्याल से जो विन है वो मेरे को 200 मिला है, और जो फर्स्ट विन है उसका जो डेली मोनो से वो उसका 200 मिला है। तो ये सीन हो गया होगा, और मेरे ख्याल से एडवेंचर स्लॉट है वो भी 6 मिले हैं, तो मेरे ख्याल से 2 राउंड का कंसिडर करके आपको मिलने जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ZZB में भी एक ही रह गया, बस उसको प्रेस पॉइंट काउंट किया गया है। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट मैच। ऑलराइट, तो हम सेकेंड मैच पे आ गए हैं, और सेकेंड मैच आप देख रहे हो कि फर्स्ट मैच में थोड़ा ग्लिच हो गया था, मैंने अपना फिर फ़ोन रिस्टार्ट कर लिया। ओके, तो देखते हैं कि जो सेकेंड मैच है कि वो थोड़ा अच्छा बंदे के साथ मिले। आई विल डू मोर वीडियोज ऑन दिस, बट अभी थोड़ा सा एक देखना, मुझे देखना था कि कैसा काम कर रहा है ये प्राउड सिस्टम। और अभी मुझे काफ़ी फ्लॉ दिख रहा है इस मैच में, मतलब इस मोड में काफ़ी फ्लॉ दिख रहे हैं। पहला तो फ्लॉ आपको दिखी गया है टाइमर वाला, कि 120 टाइमर का काउंट का मैचेस हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। पहला फ्लॉ था कि आप टाइम मैचेस जो होंगे आपके 0 टाइमर तक जाएंगे, और आपको डैमेज वाइज सस्टेन काफ़ी करना पड़ेगा। कुछ यूनिट्स के लिए बहुत नुकसान होगा, जैसे कि मैंने बताया अल्ट्रा वेजिटो, उसका जो एक मैकेनिज्म है कि जो 60 टाइमर और 80 टाइमर के बाद वो काफ़ी एग्रेसिव, उसके सारे बफ्स ओपन हो जाते हैं, तब तक मैच ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी ऐसे यूनिट्स के लिए ये फ्लॉ काफ़ी बेकार है। और अभी तो मुझे ये जो पहला फ्लॉ है काफ़ी मतलब बेकार लगा। और सेकंड फ्लॉ आप बोलोगे कि लाइक जो मैचेस हो रहे हैं आपके पॉइंट्स वाइज, राइट, वो काफ़ी समझ में नहीं आ रहे, राइट। जैसे कि मेरा 2 पॉइंट आया, कितना पॉइंट आया वो उसका कुछ मतलब नहीं समझ में आया। अभी देखना पड़ेगा कि अगर मैं एक मैच हारता हूँ तो उसके पॉइंट्स रिडक्शन कैसे, क्या सीन होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। चलो, यहाँ पर तो कुछ लैग नहीं दिखा मुझे, इस बार हेल्थ बार अच्छे से आ गई है। तो सबसे बड़ा फ्लॉ तो हमने बता दिया आपको कि टाइमर वाला इशू है, और कुछ यूनिट के लिए इसमें काफ़ी नुकसान होने वाला है। यहाँ पर हम स्विच नहीं करेंगे और अपना ग्रीन कार्ड करेंगे। ओके, लेट्स गो फॉर द ब्लू कार्ड। बंदे की टीम थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए इतना डैमेज कर रही है, क्योंकि रोज़ ये पता नहीं क्या कर रहा है इस मैच में हाइब्रिड की टीम पे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, बच गया। ओके, तो आई थिंक इसकी पैन मर जाएगी यहाँ पर, तो यही है गाइस, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। और फॉरफिट करने पर भी मतलब उसको सेकेंड राउंड का चांस मिलेगा, और मुझे नहीं पता कि बंदा अगर बॉर्ड बनता तो क्या सेकेंड मैच खेलने को मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी काफ़ी कंसिडर करने वाली चीज़ होगी। बंदे ने फॉरफिट कर दिया यहाँ पर, तो देखते हैं वो सेकेंड मैच में क्या करता है। ओके, तो सेकेंड मैच आते हैं, और हमारे सेकेंड राउंड के ये मैचेस हैं। ओके, लेट्स सी। तो ओके, तो हमारे पास ऑलमोस्ट काउंटर है इस टीम का, तो लेट्स सी। ज़्यादा लंबे मैचेस भी हो सकते हैं, शोकेसेस काफ़ी लंबे होने वाले हैं वैसे, अगर आप इन एक तरह से 4 मैचेस हमने खेलनी है एक तरह से, अगर ये बोलो तो इस मैच के टाइमर में। ओके, लेट्स सी। ओके, केफला काफ़ी डैमेज कर रही है यहाँ पर, अपना ये पहला कवर चेंज उसने यूज कर लिया। ओके ओके, आई थिंक यहाँ पर काम हो जाएगा। अब आई थिंक मेरे को कॉम्बो चला देना चाहिएगा वेजिटो में जाकर। ओ, सीधे अब बंदा जंप कर गया। लेट्स गो। तो यहाँ पर इसको लास्ट करेंगे, ओ दू कार्ड रखा है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, आई थिंक बंदा फॉरफिट ही कर देगा अभी, बस एक कॉम्बो चाहिए और ये मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीम ही इसकी सिनर्जी वाली नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। एक साइड स्टेप करेगा और ख़त्म मैच हो गया, यस ये मैच यहीं पर ख़त्म, अब यहाँ का कोई मतलब नहीं है, वेजिटो कम जाएंगे जंप करके। ओके, लेट्स सी, यहाँ मैच यहीं ख़त्म। तो गाइज बस यही था इस वीडियो में, और मैं आपको बस यही बताना था कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे पूल सिस्टम ठीक लगा, बढ़िया लगा, बट फ्लॉज हैं। आई थिंक ये इम्प्रूव करेंगे जब सेकेंड सीजन आएगा। टाइमर वाला जो एक फ्लॉ था, आई थिंक सेकेंड सीजन हमको देखने को मिलेगा, तो यहाँ फॉरफिट कर दिया। तो दैट्स इट गाइज, अपने ओपिनियंस जो भी है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टिल देन, बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका क्या क्या सीन होता है कि ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो तीसरा राउंड आपको जो दिख रहा है ना, आई थिंक एक टाई हुआ तो तीसरे राउंड के लिए भी जा सकते हैं, मेरे ख्याल से तो वही था वो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना गाइज। सी यार।